खुशबू यादव और आप देख रहे हैं BNY न्यूज। खबर यूपी के देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र से आ रही है देवरिया हत्याकांड, जहां जनपदवासी अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जयंती मनाने में लगे थे कि इसी बीच हिंसा की एक खबर ने पूरे जनपद नहीं समूचे सूबे को झकझोर के रख दिया। देवरिया जिले के इस जघन्य घटना में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। वहीं देवरिया हत्याकांड में आज 6 दिन बाद मृतक सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश कुमार दुबे का बड़ा बयान सामने आया। आइए जानते हैं खबर अब विस्तार में। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में सामूहिक नरसंहार के बाद आज 6 दिन बाद मृतक सत्यप्रकाश दुबे का बेटा देवेश कुमार दुबे पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच पहुंचा। इस घटना में देवेश कुमार दुबे के माता पिता, दो बहन, एक भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इस घटना में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की गला रेतकर हत्या किया गया था। देवेश कुमार दुबे बिरान परे घर में सभी उपलब्ध सामानों को खंगाला और अपने माता पिता, भाई बहन के पड़े कॉपी किताब, कपड़े समेत अन्य दस्तावेज देखकर फफक फफक कर रो पड़ा। अपने पढ़ाई लिखाई का डिग्री भी साथ ले गया। वहीं बीजेपी के नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने पीड़ित देवेश कुमार दुबे को 1,00,000 रुपए नगद सहायता धनराशि दी और शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि मेरी पार्टी और पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। वहीं पीड़ित देवेश कुमार दुबे ने कहा कि मेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, इस घटना में जो भी दोषी है उनका एनकाउंटर किया जाए और घर पर बुलडोजर चलवाया जाए। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। BNY न्यूज के लिए रुद्रपुर से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों से अनुरोध है कि पूर्ण कार्रवाई की जाए, इसको इसको जितना भी संपत्ति है इसको भी पूर्ण जानकारी किया जाए और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाए। मैं अपने आप को आज नहीं रोक पा रहा हूँ, इस हालत में बहुत दुखी हूँ। हमारे कोई प्रशासन के अलावा कोई साथ नहीं दिया है और योगी जी से यही अनुरोध है मेरा, और उनसे भी अन्य लोग अधिकारी हैं यहाँ तक कि उनको भी उनके पास भी बात पहुँचना चाहिए। मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं अपने बाप को नहीं रोक पा रहा हूँ। मेरे पास क्या कार्रवाई चाहते हो? या तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाए जो हमारे परिवार को खत्म किए हैं और उनकी मकान भी ढहवाया जाए। ऐसी विभत्स घटना इस जिले में कभी न हुई है न होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि इस परिवार का पूरा समाज समर्थन करे, हम लोग जुट के खड़े हुए हैं। मैंने भी 1,00,000 की राशि को उनका अनुदान दिया है। मैं चाहता हूं कि इनके परिवार को कभी नौकरी की जरूरत होगी सरकार भी देगी, हम लोग भी करवाएंगे। जो बात इन्होंने रखी, जो मुर्जिम हैं उनको हम गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा दें, यहां पर न्याय मिले। और देवरिया की जनपद में हम लोग ये ऐलान करना चाहते हैं कि जो भी ऐसा अराजक तत्व है वह सरकार से तो छूटेगा नहीं, समाज से भी नहीं छूटेगा, समाज भी खड़ा हो जाएगा। आइए मिलजुल के इन अपराधियों का हम लोग खिलाफत करें ताकि ऐसा परिवार सक्षम रूप में यहाँ पर जीविका बिता कर सके। यहाँ का मंजर जो है उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, किस प्रकार ये विभत्स नरसंहार हुआ उसका ये साक्ष्य है। जहाँ दीवारें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, तो ये सोचने की बात है कि किस तरीके से उद्दंडता अपराधियों ने की। और इस अपराध की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं, साथ ही प्रशासन से मांग करता हूं कि जो नैतिक है, जो न्यायिक है, वो कार्य तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में होंगे ही, जैसे कि उसके भवन जो कि सरकारी ज़मीन में बना है उसका ध्वस्तीकरण, जो उसने भूमि का अतिक्रमण कर रखा है वो अतिक्रमण मुक्त होगा। लेकिन साथ ही मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए तथा सरकार उनको सरकारी नौकरी दी जाए।